हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद रितिमन। तो चलिए आज हम हिंदी के अंदर, हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द को करेंगे, जिसमें देखिए विलोम शब्द के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। विलोम शब्द जो है वह बहुत सारे होते हैं, जितने भी आप याद कर सकते हो, कहीं से भी याद कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसी कोई बुक नहीं होती है कि आप यहाँ से ही याद करिए या कंपलसरी है वहाँ से याद करिए। जहाँ से भी आपको विलोम शब्द मिलते हैं वहाँ से आप याद रखिए। लेकिन विलोम शब्द याद रखने के लिए कुछ ट्रिक भी होती हैं, और वो क्या होती हैं तो चलिए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है? क्या होता है? उल्टा। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम अगर है तो उसका विलोम सर्वनाम ही होगा, विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा, क्रिया का विलोम जो है वह क्रिया ही होगा, और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होगा, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी ट्रिक होती है विलोम शब्द पता करने की। कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो कि उपसर्गों से बनते हैं, जैसे उपसर्ग लग जाता है तो वह विलोम बन जाता है उस शब्द का। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, जो भी शब्द होता है उसका अर्थ वह आपको पता होना चाहिए। यदि आपको अर्थ पता है तो आप विलोम शब्द बहुत आसानी से बता सकते हो। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक ही समझ लीजिए जो होती हैं, जो कि विलोम शब्द के बारे में हमें बहुत ही आसानी से पता करा देती हैं उसका विलोम। कुछ उपसर्ग जैसे कि अ जोड़कर सभ्य में अ उपसर्ग जोड़ा असभ्य बन गया, न्याय में अ उपसर्ग जोड़ा अन्याय बन गया, लौकिक में आ उपसर्ग जोड़ा तो अलौकिक बन गया, ठीक है? इसी तरीके से उपसर्ग जो है वह लगकर विलोम शब्द बनते हैं, और अनुपसर्ग जुड़कर जैसे कि अंगीकार है तो अनंगीकार बन गया, अस्तित्व में अनुपसर्ग लगा तो अनअस्तित्व बन गया, अभिज्ञ में अन लगा तो अनभिज्ञ बन गया। तो ये चीज़ जो है वो हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ भी चुके हैं, तो वहाँ हमने उपसर्गों में बहुत अच्छे से डिटेल में ये चीज़ देखी। तो यहाँ यदि आपको उपसर्ग याद हैं तो आप विलोम शब्द भी बहुत आसानी से बना पाओगे। तो चलिए अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा विलोम शब्द किस टाइप से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, क्षणिक का विलोम शब्द है। क्षणिक का विलोम शब्द है ऑप्शन काल, अक्षणिक, अश्रुण या शाश्वत। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? देखिए कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम आपकी वॉइस जो है वो चेंज लगती है। तो देखिए थोड़ी सी तबीयत जो है वो थोड़ी डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो प्रैक्टिस जो है वो नहीं छोड़ते हैं, ना ही छोड़ेंगे। और थोड़ा सा आप वेट करिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट जो है वो लेकर आएंगे जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। थोड़ा सा वेट करना है आपको और अपनी तैयारी जो है वो रेगुलर बनाए रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षणिक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शाश्वत। नेक्स्ट देखिए, उपेक्षा का सही विलोम है। उपेक्षा का सही विलोम है सम्मान, अपेक्षा, अपमान या तिरस्कार। तो देखिए शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए और हमें विलोम वही ढूंढना है जो कि उस शब्द के अकॉर्डिंग हो। तो उपेक्षा जो है उसका विलोम क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी इसका समानार्थी है, अपमान भी समानार्थी है, ठीक है? तो जो सम्मान या अपेक्षा, इन दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन हमें शब्द के अकॉर्डिंग चलना है। उपेक्षा का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा। नेक्स्ट देखिए, अतिवृष्टि शब्द का विलोम है। तो अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है? ये आपके पूछा गया है SSC में। इसके अलावा RPSC सेकेंड ग्रेड में ये वाला आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो फर्स्ट मैंने आपसे पूछा था क्षणिक का विलोम शब्द क्या है, वह भी आपके RPSC में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बार बार, तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे। और अतिवृष्टि शब्द का विलोम ये आपके पटवार में भी आ चुका है, तो जो बच्चे पटवार की तैयारी कर रहे हैं RAS में RTS में,
91 में, 94 में, 2011 में, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है? तो देखिए, ऑप्शन बंजर, अनावृष्टि, शुष्क या बहुवृष्टि। तो अति का अर्थ तो हमें पता है क्या होता है, ज़्यादा। तो इसका अपोजिट जो है वो क्या होगा? बंजर जो है वो नहीं होगा, शुष्क जो है वह हो सकता है। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें अतिवृष्टि के अपोजिट इसी शब्द से लगता हुआ, तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनावृष्टि। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। मूल्यवान का विलोम शब्द है, मूल्यवान का विलोम शब्द है मूल्य, कीमती, अमूल्य या मूल्यहीन। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये BSTC एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया है। तो ये शब्द देखकर तो हमें इतना आसान लगता है, लेकिन ऑप्शन देखते ही हम परेशान हो जाते हैं। मूल्यवान यानी बहुत ज़्यादा मूल्य वाला। तो यहाँ ऑप्शन ए बी सभी सही लगते हैं। अमूल्य जो है वह इसका विलोम हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी देखिए, मूल्यहीन। मूल्यवान का अपोजिट क्या होगा? मूल्यहीन। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अनुराग का विलोम है, अनुराग का विलोम है, ऑप्शन है अर्क, द्वेष, विराग या राग। तो आप लोगों ने विलोम शब्द बहुत अच्छे से याद किए होंगे, तो आप बताइए अनुराग का विलोम क्या है? अर्क है, द्वेष है, विराग है या राग है? तो मैंने आपको बताया था कि कई बार विलोम जो हैं वह उपसर्ग लगकर बन जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी है, विराग। अनुराग का विलोम क्या है? विराग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है दयालु, उदार, कृतज्ञ या निर्दय। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या रहने वाला है क्वेश्चन 6 का, दयालु होगा, उदार होगा या निर्दय होगा। तो यदि हम कृतज्ञ को देखें तो इसका अपोजिट हमें क्या मिलेगा? कृतघ्न। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7। साकार का विलोम है, साकार का विलोम है आकार, विकार, प्रकार या निराकार। साकार का विलोम क्या होगा? आकार होगा, विकार होगा, प्रकार होगा या निराकार। जब हमें ऑप्शन समझ में ना आए तो हमें उसका अपोजिट ना ढूंढकर हमें ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट करना चाहिए। साकार का विलोम आपको क्या आकार लग रहा है? बिल्कुल नहीं है। विकार लग रहा है? ये भी नहीं है। प्रकार लग रहा है? ये तो बिल्कुल ही शब्द अलग हो गया। तो ऑप्शन क्या बचेगा? निराकार। तो दो तरीके से हम आंसर सही लगाते हैं। एक तो हमें बिल्कुल सटीक पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या है, और अगर नहीं पता लगता है तो हमें जो बाकी ऑप्शन हैं उनको हटाना चाहिए। हटाते ही हम सही आंसर पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अल्पज्ञ का विलोम है, अल्पज्ञ का विलोम है अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो सोचो इसका सही आंसर क्या रहेगा। अल्पज्ञ का विलोम है। अभी अल्प का अर्थ क्या होता है? कम, और ज्ञ का अर्थ होता है जानना। तो यहाँ पर जो कम जाने उसका विलोम हमें ढूंढना है। तो देखिए रहेगा यहाँ पर सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि RRB के एग्ज़ाम में, RAS के, RTS के, 2008 के एग्ज़ाम में और 2002-2003, इन सभी में ये वाला प्रश्न पूछा गया है। तो आपके एग्ज़ाम में भी आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन जो पेपर होते हैं लास्ट ईयर के, वो हमें पूरे सॉल्व कर लेने चाहिए एग्ज़ाम होने से पहले, क्योंकि कई बार रिपीट हो जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट शब्द।
नेक्स्ट है सुनीति का विलोम बताएं, सुनीति का विलोम बताएं, अनीति, कुनीति, सदाचार या अनाचार। तो देखिए उपसर्ग जब हमने पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा। तो अच्छा का अपोजिट क्या देखेंगे हम, बुरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कुनीति, ठीक है। कु का अर्थ क्या होता है, बुरा, तो बिल्कुल सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, रेखांकित शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर रेखांकित है अभिज्ञ, अभिज्ञ, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ। तो सोचिए इसका आंसर जो है वो है क्या होगा। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि अभिज्ञ, विज्ञ और अनभिज्ञ यहाँ पर हम मात खा जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए ज्ञा का अर्थ क्या है, जानना, ठीक है, और अभिज्ञ क्या है, वही जानने वाला। तो सर्वज्ञ जो सब कुछ जाने ये तो नहीं होगा, अल्पज्ञ जो कम जाने ये भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ का अपोजिट क्या होगा, अनभिज्ञ, ये बिल्कुल सटीक उत्तर बैठता है। तो यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द है, घात, आघात, प्रत्याघात या घातक। प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द है घात, आघात, प्रत्याघात या घातक। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए एलिमिनेट करते हैं। प्रतिघात का देखिए डी ऑप्शन, घातक ये तो नहीं होगा, इसका तो अलग ही अर्थ निकल रहा है। प्रतिघात का घात में प्रति लगा है, और प्रत्याघात यह भी नहीं होगा, आघात भी नहीं होगा। तो घात का अपोजिट क्या होगा, प्रतिघात, या प्रतिघात का अपोजिट क्या होगा, घात। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही होगा। चलिए आज का लास्ट जो है क्वेश्चन, अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द है। पहले तो अर्थ ही पता होना चाहिए, अथ का अर्थ क्या होता है, शुरुआत करना, प्रारंभ करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन है अंत, इति, अर्थ या अध। तो क्या होगा, तो यहाँ पर रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, इति, अथ का अपोजिट होगा इति। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करवाए, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी तबीयत जो है वह डाउन है, लेकिन मेरी तरफ़ से वीडियो जो है वो जितना भी हो सकेगा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।